खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत के बिलसंडा विकास खंड में भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण, ग्रामीणों के भूख हड़ताल की खबर से मचा हड़कंप। गांव में विकास न होने पर गुस्साए ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठे। ग्रामीणों का आरोप गंदगी की वजह से हो चुकी है बीमारी से कई लोगों की मौत, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं की सुनवाई। विकास खंड अधिकारी से भी कई बार शिकायत। ग्रामीणों ने भूख हड़ताल की शुरू प्रधान व विकास खंड अधिकारी के मुर्दाबाद के लगाए जमकर नारे, मचा हड़कंप। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की बीसलपुर तहसील क्षेत्र के बिलसंडा विकास खंड के गांव दुरिया खुर्द के ग्रामीण विकास खंड परिसर में पहुंचकर भूख हड़ताल में बैठ गए। जैसे ही भूख हड़ताल पर बैठने की खबर अधिकारियों को लगी तो हाथ पांव फूल गए। आपको बताएं कि दुरिया खुर्द में बताया जा रहा है कि कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, गलियां टूटी हुई हैं, कीचड़ लबालब भरी हुई है, जिससे लगातार बीमारी पनपती जा रही है। आरोप है कि बीमारी की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो आरोप लगाते हुए बताया गया कि पड़ोस के गांव में भी कई लोगों की जाने जा चुकी हैं, इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया गया है कि कई बार विकास कराने को लेकर प्रधान से कहा गया तो प्रधान ने ये कह के बात को टाल दिया कि हमारे खाते में रुपए डलवाओ, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। ऐसा ग्रामीणों का ही आरोप है। फिलहाल पूरे मामले में अब ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और विकास कार्य न होने तक भूख हड़ताल जारी रहने की बात कही है। आपको बता दें ग्रामीणों ने प्रधान व विकास खंड अधिकारी मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगाए हैं। हालांकि अभी मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है आज़ादी के बाद से कुछ गलियों में आज तक एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। ऐसे में गांव का हाल बद से बदतर हो चुका है, जिस वजह से कई बीमारियां गांव में पनपती हैं और न जाने कितने घरों पर किसी न किसी के जान पर आ जाती है। हालांकि पूरे मामले में अब हड़कंप मचा हुआ है। रामीर जी, यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो किस तरह का धरना प्रदर्शन है, क्या मांग है? यहाँ पर भूख हड़ताल कर रखी है। किस मामले को लेकर भूख हड़ताल? हमारा यहाँ मतलब विकास नहीं हो रहा। प्रधान जी से बात करें तो कल प्रधान जी से हमने बात की थी, बोल रहे थे कि आप खाते पैसे डला दो, हम आपके यहाँ काम करा देंगे। और हमारे गाँव में बहुत बीमारी ने बहुत अच्छी तरीके से पैर पसार रखे हैं। डेंगू बहुत तेज़ी चल रहा है। हमारे पड़ोस का गांव बिलहरा है, उसमें मतलब 10-12 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे गांव में भी 2-3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बीमारी का पता नहीं चल पा रहा, कैसे मौतें हो रही हैं? बीमारी क्या, गंदगी इतनी गाँव में है, कई गलियाँ ऐसी कच्ची हैं जिनमें आज़ादी से लेकर अभी तक कोई विकास ही नहीं हुआ है।